लुगाड़ वाटरफॉल में आपका स्वागत है। स्काउट स्थापना दिवस चिंतन दिवस के अवसर पर आज हमारा कैंप जा रहा है भालूगाड़, जो कि यहाँ पर का सबसे अच्छा वाटरफॉल है। आइए चलते हैं वाटरफॉल की तरफ को। हमारे साथ यहाँ पर टांडी पोखराड़ और GIC गुनिया लेक के स्काउट्स हैं। आइए जानते हैं क्या क्या एक्टिविटी वहाँ होने वाली है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ तेजिस्ट में DSP कॉलेज टांडी पोखराड़ पढ़ता हूँ। आज हम जा रहे हैं वाटरफॉल ट्रैकिंग के लिए। तो मेरे साथ मेरे 4 छात्र आए हैं मेरी क्लास के, और ये हमारे गुनिया लेक के सर हैं, जो इनके भी बच्चे आ रहे हैं तो पीछे से। तो आज हम जा रहे हैं भालूगाड़ वाटरफॉल ट्रैकिंग करने। तो हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ पूरी टीम आ रही है, जो कि टांडी पोखराड़ के सर हैं, जो भुवन सर हैं, जिनके नेतृत्व बच्चे आ रहे हैं। आइए चलते हैं। पूरी टीम जो समय ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ी है, गांव का रास्ता शुरू। हल्की हल्की चढ़ाई, जो कि पहाड़ी रास्तों का एक सबसे खूबसूरत आयाम है। एडवेंचर्स यहाँ गेम्स होते रहते हैं, एक्टिविटी चलती रहती हैं। अब थोड़ा सा डाउन, यही तो पहाड़ है, कभी चढ़ाई कभी उतराई। पहाड़ की खूबसूरत वादियाँ। आज हम बेडन पावल जी के जन्म दिवस पर विश्व चिंतन दिवस मनाने जा रहे हैं अपने स्काउट टीम के साथ। GIC गुनिया लेक से हमारे गौरीशंकर कांडपाल जी और मैं भुवन टमटा, आगर इंटर कॉलेज टांडी पोखराड़, हमने एक सामूहिक कैंपिंग करना चाह रहे हैं। और यहां से लगभग भालूगाड़ 2-2.5 किलोमीटर है, जो हम अभी ट्रैकिंग में चल ही रहे हैं, और बाकी चीज़ें वहां जाने के बाद आपको दिखाते हैं। भालूगाड़ का नाम क्यों पड़ा ये तो यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर नदी किनारे जो है भालू का चित्र जरूर बनाया गया है। वाटरफॉल का रास्ता यहाँ से 800 मीटर ये मेन ब्रिज है, जिसको पार करके हम नदी को भी क्रॉस करते हैं और वाटरफॉल के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। इस पुल को देखकर मेरे को कॉर्बेट में जो वाटरफॉल है उसकी याद आती है, उसी पैटर्न पर लगभग ये बनाया गया है। लंबे टूर पे नीचे नदी है और उसके ऊपर देखिए सीधे पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी है, और रास्ता इस तरह इसके बगल से गुजरता है, जहाँ से होके हम भालूगाड़ को जाते हैं। ये पहला हॉल्ट है हमारे स्काउट्स का, ये पहला हॉल्ट है, और उसके बाद आप ये पुल के रास्ते हम जाएंगे, फिर थोड़ा कच्चा रास्ता थोड़ा पक्का रास्ता चलते रहते हैं। तैयारी पूरी है। अरे यहाँ तो इस भालूगाड़ वाले रास्ते को देखकर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले मैं यहाँ से इसी रास्ते से गुजर था, तब यहाँ पर इस तरह का पुल नहीं था जैसा कि आज है, बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, और साथ ही स्थानीय लोगों ने बहुत सहयोग किया है। निश्चित रूप से यह जगह अब बहुत अच्छी हो चुकी है, पर्यटकों के दृष्टि से ये बहुत ही सुहावना सफ़र रहेगा। आप लोग यहाँ ऐसे सफ़र कर जरूर आएँ। पहाड़ी क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस तरह से दोनों तरह के डस्टबिन लगाए गए हैं, आप इनका उपयोग करना ना भूलें। सबसे खूबसूरत वादी, जो कि एक तरफ खेत हैं, छोटे मोटे टेंट बने हैं जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं, आप नाइट स्टे यहाँ कर सकते हैं, आपको वॉशरूम की सुविधा, जंगल ट्रैकिंग की सुविधा, नदी जो आजकल ये फरवरी का महीना है तो थोड़ा सा पानी कम है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और आपका मौसम सही होता है तो यहाँ पानी नदी से भर जाती है, और रात को कम से कम 3-4 बजे आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी कि आपका ध्यान बर बस इस तरफ को खींचा चला आता है। आज से 7-8 साल पहले भी रास्ता कुछ इस तरह से नहीं था, मैं वो जहाँ पर आपको टेंट लगे हैं उसके ऊपर वाले रास्ते से गया था, लेकिन आज बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, निश्चित रूप से इन सुविधाओं का आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में, जहां पर वाटरफॉल है और वो जस्ट इसके पीछे है, और हमारा जो कैंप है, जो टेंट है, टेंट पिचिंग का काम है, एक्टिविटी है हमारी यहीं पर होने वाली है। हमारे सारे स्काउट्स, स्काउट मास्टर्स, हम लोग यहां पहुंच चुके हैं और हमारी तैयारियां लगभग सुनिश्चित हो जा रही हैं, और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज की एक्टिविटी। हम यहाँ वाटरफॉल में आए हैं, जिसका नाम भालूगाड़ कहते हैं, और हम यहाँ कई तरह के एडवेंचर कर रहे हैं। पानी कैसा है? बहुत ठंडा।
नहीं।